ये चिट्ठी आती। तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा। लेटरल एंट्री जैसा मामला 368, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है। अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। आज गवर्नमेंट को जो लेटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी विजय है, दलित बहुजन आबादी की विजय, संविधान के पैरोकारों की विजय। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का, इन ब्रेजन डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है, आज की तारीख में ये चिट्ठी आती। तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला 368, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है, उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे इस तरह की जो आपकी मानसिकता है इसे बाज आइए, और इस किताब में जो कुछ है दलित बहुजन आबादी के लिए, SC ST OBC के लिए, अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। आज गवर्नमेंट को जो लेटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी विजय है, दलित बहुजन आबादी की विजय, संविधान के पैरोकारों की विजय। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का, इन ब्रेजन डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है, आज की तारीख में ये चिट्ठी आती। तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला 368, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है, उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे इस तरह की जो आपकी मानसिकता है इसे बाज आइए, और इस किताब में जो कुछ है दलित बहुजन आबादी के लिए, SC ST OBC के लिए, अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।